नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का लीडिंग वेब न्यूज चैनल और स्वागत है आपका वायरल सच के न्यूज बुलेटिन में। आइए सबसे पहले रुख करते हैं गुरुग्राम की खबरों की ओर। महफिल गार्डन में रहने वाले कोरोना संक्रमित मरीज को बेड खाली ना होने की वजह से अस्पताल प्रबंधन द्वारा मरीज को घर वापस भेजने पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए युवा नेता मोहित ग्रोवर ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज गुरुग्राम पूरे प्रदेश में कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। पूरे प्रदेश को 65% रेवेन्यू देने के बाद भी यहां पर लचर स्वास्थ्य सुविधाओं का जिम्मेदार कौन है? सुविधाएं उपलब्ध करवाने को लेकर करोड़ों रुपए कहां खर्च किए जा रहे हैं, जबकि ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट के लिए भी मरीजों को 15-15 दिन चक्कर काटने पड़ रहे हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम की भोंडसी थाना क्षेत्र में पुलिस कर्मियों के साथ बेरहमी से मारपीट करने का मामला सामने आया। इतना ही नहीं, पुलिस कर्मी को बंधक बनाकर रखा गया और जान से मारने की कोशिश भी की गई। पूरा मामला गुरुवार देर रात का है, जब भोंडसी से सटे बरेका में पूर्व सरपंच और उनके परिजनों ने जमीन विवाद मामले में मौके पर पहुंची पीसीआर में तैनात पुलिस कर्मियों के साथ ना केवल लाठी डंडे से मारपीट की, बल्कि हेड कांस्टेबल का गला दबाकर उसे जान से मारने की कोशिश भी की। इतना ही नहीं, हेड कांस्टेबल हरबीर को गाड़ी के नीचे कुचलने का भी प्रयास किया गया। पुलिस की माने तो इतना कुछ होने के बाद भी बिल्लू सरपंच और उसके परिजनों ने पुलिस टीम को इस मकान के कमरे में बंधक बना लिया। बहरहाल पुलिस ने दर्जन भर लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। हरियाणा के फरीदाबाद, सोनीपत, गुड़गांव और बहादुरगढ़ में दिल्ली पुलिस का बॉर्डर पर पहरा बरकरार है। पुलिस अब भी दिल्ली में प्रवेश करने वालों की चेकिंग कर रही है, उनसे मूवमेंट पास मांगे जा रहे हैं। हालांकि गुरुवार को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक सप्ताह के अंदर एक पास बनाने के लिए आदेश दिए हैं और हरियाणा, दिल्ली व उत्तर प्रदेश को एक नीति बनाने के लिए कहा है। गुड़गांव में कोरोना पेशेंट की रफ्तार पकड़ने के बाद थम नहीं रही है। मार्च महीने में मात्र 10 केस गुड़गांव में पाए गए थे, लेकिन अप्रैल महीने में 47, मई महीने में पहले 10 दिन में ही 85, अगले 10 दिन में 84, जबकि मई के अंतिम 11 दिनों में ही 548 पॉजिटिव केस मिल गए। अब हाल ये है कि जून महीने के पहले 4 दिन में ही पॉजिटिव केस का आंकड़ा 636 तक पहुंच गया है और बात आज शुक्रवार की करें तो 153 नए मामलों के साथ अब गुरुग्राम में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1563 हो गई है। लॉकडाउन में नगर निगम गुरुग्राम द्वारा आवारा घूमने वाले 366 पशुओं को गौशाला पहुंचाया गया, लेकिन सोमवार को सुबह श्लोम हिल स्कूल के पास पशुओं को पकड़ने के लिए गठित टीम के साथ दो व्यक्तियों ने मारपीट की। सहायक निरीक्षक बलजीत सिंह की शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए कैनविन ने होम्योपैथी दवा का वितरण करने का अभियान शुरू किया है। इस मुहिम की शुरुआत करते हुए गुरुग्राम के सीपी मोहम्मद अकील को 2000 पुलिस कर्मियों के लिए दवा सौंपी गई। इस मौके पर सीपी ने कैनविन के इस प्रयास की सराहना की। संस्था के संस्थापक सदस्य नवीन गोयल व डीपी गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मुहिम के तहत शहर में 50,000 घरों तक ये दवा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। पुलिस के अलावा सफाई कर्मी, चिकित्सकों तक भी इस दवा को पहुंचाया जाएगा। नवीन गोयल का कहना है कि कोरोना संक्रमण से बचाव में ये दवा कारगर मानी गई है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर RWA सेक्टर 10A ने पौधारोपण किया। इस मौके पर कमांडर उदयवीर यादव, अध्यक्ष रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 10A, सीनियर कमांडर SR यादव, अध्यक्ष हीरो होंडा चौक संघर्ष समिति, TC अग्रवाल, ट्रेजरर ऑफ RWA, डिप्टी कमांडर बदलू राम यादव व अनेक लोगों ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर पौधारोपण का संदेश दिया। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों की ओर। देश की राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है, ऐसी आशंका देश के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने जताई है। इसके पीछे कारण ये है कि दिल्ली NCR में पिछले एक महीने से लगातार छोटे छोटे भूकंप के कई झटके आ चुके हैं।
भूकंप की निगरानी करने वाली देश की सर्वोच्च संस्था द नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी ने बताया है कि 12 अप्रैल से 29 मई तक दिल्ली एनसीआर में 10 भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हाल ही में नोएडा में रात को 3.2 तीव्रता का झटका महसूस किया गया था। पिछले 5 दिनों में 3 बार झटके महसूस किए गए हैं। आखिर ये दिल्ली एनसीआर की जमीन के नीचे हो क्या रहा है? क्या कहीं और आ रहे भूकंप की वजह से दिल्ली एनसीआर कांप रहा है? अब लोग डर की वजह से सोशल मीडिया पर इमरजेंसी किट वे बैग रखने की सलाह दे रहे हैं। भूकंप से बचने के तरीके सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू सेंटर ऑफ एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में प्रोफेसर सीपी राजेंद्र ने आशंका जताई है कि दिल्ली एनसीआर में कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है, लेकिन ये कब आएगा और कितना ताकतवर होगा ये कह पाना मुश्किल है। सोमवार से मस्जिदों, गुरुद्वारों, चर्च और मंदिरों को आम नागरिकों के लिए खोल दिया जाएगा। इसके लिए तैयारियां काफी तेजी से चल रही है। इसे लेकर गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है। गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से धार्मिक स्थलों को खोलने को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसके तहत धार्मिक स्थलों को तमाम नियमों का पालन करना होगा और साथ ही यहां आने वाले श्रद्धालुओं को भी सख्त अनुशासित नियम के अनुसार ही पूजा अर्चना की अनुमति दी गई है। अमृतसर के दुर्गाना मंदिर में भी कोविड-19 संक्रमण को खत्म करने के लिए सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू की गई है। यहां के तमाम गुरुद्वारों और मंदिरों को सोमवार से गृह मंत्रालय के गाइडलाइन के साथ खोल दिया जाएगा। कोरोना संकट को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए साफ कर दिया है कि नई योजनाओं के खर्च पर अगले 1 साल तक के लिए रोक लगा दी गई। आदेश के अनुसार अगले 1 वर्ष तक पीएम गरीब कल्याण पैकेज और आत्मनिर्भर पैकेज योजना के तहत ही खर्च किया जाएगा। इसके अलावा इन योजनाओं पर भी रोक लगा दी गई है, जिसका ऐलान बजट के दौरान किया गया था। आदेश के मुताबिक बजट में जिन योजनाओं का ऐलान किया गया था उन्हें शुरू नहीं किया जाएगा। इसी तरह देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि सबसे तेज नहीं सिर्फ सच मिलेगा आपको ओनली ऑन वायरल सच। और अगर आपके पास भी ऐसा कोई मुद्दा है जो जनता, प्रदेश और देश से जुड़ा है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। हम बनेंगे आपकी आवाज। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे और आपके अपने चैनल वायरल सच को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।